Hi friends and a student. Today we will discuss about very important data structure, that is a stack. A stack and its application. A stack and its application. This is our topic जिसको हम लोगों को आज समझना है. स्टैक इट वर्क्स एज ए बकेट. ये बकेट के जैसा काम करता है. सपोज कि एक बकेट के बारे में हम सोचते हैं, इस बकेट में या तो हम सपोज हम एक प्लेट डाल रहे हैं, तो फर्स्ट प्लेट जो है ये बॉटम में आके स्टोर होगा. दिस इज फर्स्ट प्लेट. सेकेंड प्लेट जो हम डालेंगे वो फिर सेकेंड बॉटम में ये पुट होगा, स्टोर होगा. थर्ड प्लेट जो हम डालेंगे वो हमारा बॉटम में स्टोर होगा. बकेट में हम देखते हैं कि वन एंड ओपन रहता है एंड वन एंड इज अ क्लोज. ओके, नाउ अगर हम प्लेट को निकालते हैं तो जो लास्ट प्लेट है वो पहले निकलता है, सेकेंड लास्ट प्लेट बाद में निकलता है एंड सबसे लास्ट प्लेट जो है वो सबसे फर्स्ट प्लेट जो है वो लास्ट निकलता है. मीन्स ये जो बकेट है, स्टैक है, ये लीफो लीफो पॉलिसी फॉलो करता है. लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट जो हम थर्ड प्लेट जो इन किए थे वो फर्स्ट में आउट हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट. या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं फिलो FILO फिलो पॉलिसी, फर्स्ट इन लास्ट आउट. मीन्स वर्क कि जो फर्स्ट प्लेट था जिसको हम इन किए थे वो लास्ट में निकल रहा है. ओके, तो दिस इज द वर्क्स ऑफ स्टैक. स्टैक वर्क्स करता है एज ए बकेट. नाउ सपोज कि हम एक एरे ले रहे हैं स्टैक, द साइज ऑफ द एरे इज 5 एंड वन डेटा स्ट्रक्चर दैट इज मैक्स इक्वल टू 5. तो जैसा हमें पता है कि ये एरे जो है थ्री फोर फाइव 0 1 2 3 4, दिस इज द सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस ऑफ एरे. जैसा हमें पता है एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, हम क्या करेंगे, टॉप लेंगे टॉप, और टॉप को इनिशियलाइज कर देंगे -1. ओके, -1 टॉप, ये इंडिकेट कर रहा है स्टैक इज एम्प्टी. इट्स ओके. नाउ इस स्टैक को, इस एरे को स्टैक बनाने के लिए हम बेसिक टू ऑपरेशन, एक पुश ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, एक पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. पुश ऑपरेशन में हम आइटम को इंसर्ट करेंगे और पॉप ऑपरेशन में हम आइटम को डिलीट करेंगे. ओके, नाउ सपोज हम पुश ऑपरेशन में आइटम डाल रहे हैं 5, तो ये 5 पहले टॉप जो था, टॉप -1 था, इसको इंक्रीज करेंगे, अब टॉप 0 में आ गया है और 5 इंसर्ट हो जा रहा है. दिस इज द एलिमेंट. सिमिलरली पुश ऑपरेशन में अगर फिर से हम नेक्स्ट एलिमेंट डाल रहे हैं 6, तो टॉप कहां चला जा रहा है, इट इज इन 1. सिमिलरली हम अगर और एलिमेंट को डालेंगे तो टॉप कहां चला जाएगा, इट इज इन 2. तो इन द पुश ऑपरेशन वी आर इंक्रीजिंग टॉप. सिमिलरली अगर हम 8 डाल रहे हैं तो टॉप जो है यहां जा रहा है, 9 डाल रहे हैं तो टॉप जो है यहां जा रहा है. नाउ व्हेन टॉप इज रीच्ड टू द मैक्स -1 इन द पुश ऑपरेशन, दिस इज द बाउंड्री कंडीशन. जब टॉप
जो है इट रीच टू द मैक्स माइनस वन. नाउ इफ यू वांट टू पुट इंसर्ट अनदर एलिमेंट वी कैन नॉट इंसर्ट बिकॉज अ स्टैक इज ओवरफ्लो. व्हेन द टॉप इज रीच टू द मैक्स माइनस वन दिस कंडीशन इज नॉन एज ओवरफ्लो कंडीशन. ओके सिमिलरली अगर हम पॉप करते हैं तो टॉप के थ्रू पॉप होगा. टॉप जैसे सपोज पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले 9 निकलेगा एंड टॉप जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. टॉप अप कहां आ जाएगा? टॉप जो है ये 3 में आ जाएगा. नाउ अगेन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करे तो 8 बाहर निकलेगा एंड टॉप डिक्रीज कर जाएगा. टॉप अप यहां आ जाएगा. अगेन पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करें तो 7 निकलेगा एंड टॉप डिक्रीज करेगा. टॉप यहां आ जाएगा. सिमिलरली अगर 6 भी पॉप करेंगे तो सब 6 बाहर निकल जाएगा और टॉप जो है वो 0 पे आ जाएगा. नाउ जब 5 भी हम अगर बाहर निकालेंगे पॉप करेंगे तो टॉप जो है इट विल रीच टू ये कहां पहुंच जाएगा? इट इज -1. इन द पॉप ऑपरेशन मींस हम डिलीट कर रहे हैं स्टैक से आइटम को. व्हेन इन द पॉप ऑपरेशन व्हेन टॉप इज रीच टू -1 दिस इंडिकेट स्टैक इज एम्प्टी और इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टैक अंडरफ्लो. इज इट क्लियर? जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि स्टैक जो है इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. क्लियर है? तो लेट अस डिस्क्राइब डिफाइन व्हाट इज एरे व्हाट इज स्टैक. स्टैक क्या है? हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैक इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. A stack is a non-linear, no sorry, linear data structure in which we can perform two basic operations. Push and pop from top. So this is the definition of the stack. Okay. Now, how we design algorithm? हम algorithm कैसे design करेंगे? Algorithm design करने के लिए वी नीड टू टेक एरे. हम एक एरे लेंगे. सपोज नेम ऑफ द एरे इज अ स्टैक. साइज इज 5. मींस मैक्स क्या है? मैक्स जो है वो 5 है. नाउ एरे को हम ऐसा सोच रहे हैं एंड दिस एरे नेम इज अ स्टैक 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. ओके एंड एक डेटा स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट है दैट इज टॉप. इसको हम लोग -1 ले लेंगे. दिस -1 इंडिकेट टॉप जो है -1 है. दिस -1 इंडिकेट स्टैक इज एम्प्टी. नाउ हाउ टू डिजाइन एल्गोरिदम फॉर पुश फंक्शन. पुश फंक्शन में हम लोग एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे? लिखेंगे void item void push operation and item integer item. जैसा कि हम डिस्कस किए थे कि इन द पुश ऑपरेशन व्हेन द टॉप इज रीच टू द मैक्स -1 दिस कंडीशन इज नॉन एज ओवरफ्लो कंडीशन. तो हम यहां क्या करेंगे कि पुश ऑपरेशन में चेक करेंगे कि वेदर टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स -1.
max minus 1 or not. If top is reached to max minus 1, तो हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे प्रिंट है स्टैक इज ओवरफ्लो, स्टैक जो है वो ओवरफ्लो हो गया है, एल्स नहीं तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पुश करना है तो हम बॉटम से करेंगे टॉप से करेंगे, तो हम क्या करेंगे स्टैक जो है स्टैक में पहले इंक्रीमेंट कर लेंगे टॉप को और जो आइटम है इस आइटम को हम यहां स्टोर कर लेंगे डाल लेंगे. इट इज क्लियर. तो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन. सिमिलरली अगर हमको अगर हमें पॉप ऑपरेशन डिजाइन करना है तो पॉप ऑपरेशन में को हम लोग लिखेंगे इंटीजर पॉप. नाउ एज आई हैड डिस्कस्ड कि इन द पॉप ऑपरेशन वी आर डिलीटिंग द एलिमेंट फ्रॉम द एरे, स्टैक से हम लोग एलिमेंट को पॉप करते हैं ओके फ्रॉम द टॉप. बट व्हेन द टॉप इज रीच टू द माइनस वन तो दिस बिकम एम्प्टी. जब ये बकेट एम्प्टी हो जाएगा तो इससे एलिमेंट हम निकाल नहीं पाएंगे एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज अंडरफ्लो कंडीशन. तो इन द पॉप ऑपरेशन वी नीड टू चेक वेदर टॉप इज लेसर देन इक्वल टू माइनस वन. अगर ऐसा है तो हम सिंपली प्रिंट कर देंगे यूजर को, हम प्रिंट देंगे इंफॉर्मेशन देंगे स्टैक इज अंडरफ्लो, स्टैक इज अंडरफ्लो एंड रिटर्न जीरो. एल्स अगर टॉप जो है माइनस वन को रिच नहीं हुआ है मीन्स एलिमेंट है इट इज नॉट एम्प्टी तो हम रिटर्न कर लेंगे रिटर्न स्टैक टॉप माइनस माइनस. क्लियर है. तो दिस इज द एल्गोरिथम जिसको हम लोग लिखे हैं इन अ सी लैंग्वेज ओके. नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. स्टैक का एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बहुत सारा है, उसमें से हम कुछ कुछ डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. तो एप्लीकेशन जो है स्टैक का इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वह है रिकर्सिव फंक्शन. रिकर्सिव फंक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैक इंटरनली यूज करते हैं ओके. सिमिलरली इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन इसको हम लोग पोलिश नोटेशन के नाम से भी जानते हैं. पोलिश नोटेशन इसके भी नाम से जानते हैं. लेटर ऑन आई विल डिस्कस दिस. इनपुट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन ऑपरेशन में भी स्टैक जो है हम यूज करते हैं. एंड थर्ड ऑफ बेसिक ऑपरेशन थर्ड एप्लीकेशन इज द डीएफएस. डीएफएस जो है ये ग्राफ में सर्चिंग एल्गोरिथम है और इस सर्चिंग एल्गोरिथम में डेप्थ फर्स्ट सर्च के में हम लोग स्टैक को यूज करते हैं. इज इट क्लियर. तो आज हम लोग देखे हैं व्हाट इज द स्टैक, हाउ टू डिफाइन एन स्टैक एंड व्हिच ऑपरेशन, टू ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन, पुश एंड पॉप ओके. तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि यू डिजाइन दिस एल्गोरिथम इन अ सी लैंग्वेज, टेस्ट इट ओके, कंपाइल इट एंड रन इट. बेस्ट ऑफ लक.